वैसे मेरा हल्का हल्का दिल इस पे आ रहा है कि ये लगा ली जाए, अच्छी लग रही है, मतलब थोड़ी सी प्रीमियम सी फील आ रही है। अभी लगा के देखते हैं कि यार थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है, ये कैसी लगती है। देखो पूरे इंटीरियर के अंदर ये अलग चीज लगी होगी, देखो जरा कितने मजे की लग रही है। मैं कहता हूँ पैसे पूरे अभी से हो गए मेरे देख के। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है, जैसे मजे में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टुडे आई एम इन लीली। आज इंग्लिश में व्लॉग करें? नहीं, लेट्स ट्राई इन इंग्लिश। आई एम नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, लेकिन आई कैन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। टुडे वी आर गोइंग टू गो एंड इंस्टॉल एन एंड्रॉइड एलसीडी इन दिस कार। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए हम इंग्लिश में व्लॉग नहीं करेंगे। ये आप में से ही एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने नीचे कमेंट किया था कि आई चैलेंज यू टू व्लॉग इन इंग्लिश फॉर अ होल डे। आप बताएं ये आइडिया कैसा है, अमल किया जा सकता है इस पे वैसे। लेकिन ये मसला ये है, पूरे ब्लॉग में मुझे यही फील आएगी कि मैं जैसे कोई क्लास पढ़ा रहा हूँ। मैं इस वक्त लिली में मौजूद हूँ और ये देख सकते हो आप, ये इसका बेकार पैनल, ये मैं कहता हूँ इसको, इसकी वॉल्यूम 28-29 पे रह जाओ, इसकी जान निकल जाती है, बंद हो जाता है, रिस्टार्ट होने लग जाता है। इसके अंदर बहुत से रोले हैं, उन सब रोलों को फेस करने के लिए हम चेंज करवाने जा रहे हैं इसकी एलसीडी। कौन सी लगवाएंगे, कैसी लगवाएंगे, टेस्ला स्टाइल भी आती है इसकी एक ऊंची सी, वो भी चेक करते हैं, देखते हैं कौन सी लगवानी कौन सी नहीं लगवानी और कितने की हमें मिलेगी और कहाँ से मिलेगी। आपके लिए बम्पर ऑफर है, बम्पर ऑफर। सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, इंस्टा पे फॉलो करना और ना करना वो आपकी मर्जी है, वो ऑप्शनल है, लेकिन सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वो जरूरी है। इतनी सी चीज में आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस है, बीच में छुट्टियां रहती हैं, लेकिन डेली बेसिस पे कोशिश तो मेरी ज्यादा होती है कि आपको डेली बेसिस पे मिले। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी गाड़ी में आपने बैठना है, गाड़ी आपकी जब भी बंद होगी ना, जैसे फॉर इंस्टेंस ये हो गई एलसीडी बंद, अब आपने जब स्टार्ट करनी है, आप अगर ब्लूटूथ आपका कनेक्टेड होगा तो वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी चेक करना, ये कुछ 5 सेकंड तो इधर ऑन होने में लगा देगा। अब ऑन हो गया, इधर मेन्यू में जाएंगे, ब्लूटूथ में जाएंगे, इधर क्लिक करते रहेंगे, फिर जाके हमारा म्यूजिक प्ले होगा, यहाँ से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेंगे। ब्लूटूथ हमारा अब कनेक्ट हो गया, अब मैं एक गाना लगाऊंगा जिसके बाद देखना 30 के बाद जो है इसके ये मर जाएगी, स्क्रीन डेड हो जाएगी, इसकी जान निकल जाती है एलसीडी की अगर हम इसकी 28-29 से आवाज ऊपर करें। डिस्क्लेमर देता चलूं कि इस व्लॉग में जो है वो गाने हो सकते हैं, अगर तो आप रमजान में गाने नहीं सुनना चाहते या कोई इशू है तो आप बॉयज ये वाला व्लॉग अभी ना देखो, आप रमजान के बाद देख लेना। मैंने चेक करना है यार स्पीकर में मुझे कोई इशू लग रहा है, वो भी चेक करना है, और आपको भी चेक करवाना है कि यार ये किस तरह लोड नहीं उठा पाती है जो इसकी स्टॉक एलसीडी होती है। और ये हमने लगा दिया जी गाना, ठीक हो गया। लेट्स चेक नाउ, अभी वॉल्यूम क्या है, बंद हो गई, इसकी जान निकल जाती है, मैं कहता हूँ यार बेचारी मर जाती है, देखो रीस्टार्ट हो गई है। ये तो हाल है इस होंडा की, जेन्युइन एलसीडी का स्टॉक है, इसकी अपनी है और ये लोड नहीं उठा पाती, ये इसके अंदर नॉन फॉल्ट है। आफ्ताब भाई ने मुझे पहले भी बताया था जब लास्ट टाइम हम इसके स्पीकर चेंज करवाने आए, अलबत्ता एंड्रॉइड लगवाना जरूरी है हर गाड़ी में, अब तो लगी होती है। आप तो जिस गाड़ी में ना लगी हो उस गाड़ी में बैठ के आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी कोई अजीब सी वाइब आ रही है इस गाड़ी में से, क्योंकि जिस गाड़ी में बैठो हर अगली गाड़ी में एंड्रॉइड इंस्टॉल हुआ हुआ है, क्योंकि अब जरूरी है। उसके अंदर यूट्यूब वगैरह सारा कुछ बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है, उसका ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी भी आसान होती है एज कम्पेयर टू दिस स्टॉक एलसीडी। व्हाट इज दिस ताबी? दिस इज टेस्ला स्टाइल ताबी। अगर मैं इसको ऊपर से खींचूंगा ये तो टूट जाएगी। हाँ, तो ये सूटेबल नहीं है, ये इस तरह लगेगा, ये तो लग रहा है जैसे टैबलेट रखा हुआ है सामने। हाँ जी। अच्छा ये है कितने की वैसे ताबी? ये 16-17 की रेंज में आती है, 1 GB और 16 GB इसकी मेमोरी होती है, IPS डिस्प्ले के साथ है। इसमें 9 इंच होता है, 10 इंच होता है। 10 इंच जो है वो लगता है 15 मॉडल क्रोला में और रिबॉन में, इसी तरह आ जाएगा। नहीं ये तो काम खराब है, ये तो काम खराब है, और बच्चे बैठे हैं ऊपर से खींच दें ये बाहर ही आ जाए, हाथ में आ जाएगी। तब भी जरा चेक तो करवाओ एलसीडी लगा के, जरा चेक तो करें इसका इंटरफेस। हाँ जी व्हाई नॉट यार, खोलें। अरे तो बहुत साफ है अंदर से, ये तो बहुत ज्यादा साफ है, बहुत साफ है, ये तो साफ ही रहने देते हैं, गंदी हो जाएगी। इसी के साथ साथ हमारी इस वाले सेट से जान छूट जाएगी, हमें बहुत तंग किया इस वाली एलसीडी ने। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाज द मेन थिंग जिससे मैं तो बहुत ज्यादा तंग था कि हर दफा गाड़ी में बैठ के स्विच मारो, दोबारा ब्लूटूथ में जाओ, 10 मिनट लगते थे आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने में और फिर आपका सारा काम सर्कल चलता था। ये जरा एलसीडी दिखाओ यार, ये देख सकते हैं आप यार लिली की नई एलसीडी। खैर अभी ट्राई कर रहे हैं फिलहाल तो, कि अगर ये लगानी है या दूसरी हमने वो 10 इंच वाली लगवानी है। अभी चेक करते हैं, पहले ये एक दफा लगा के देखते हैं कि यार किस तरह का इंटरफेस है इसका और किस तरह की ये लगती है, फिर हम
डिसाइड करेंगे कि हमने ये लगानी है या दूसरी जो भी आप लेने जा रहे हैं। वैसे मेरा हल्का हल्का दिल इस पे आ रहा है कि ये लगा ली जाए, अच्छी लग रही है, मतलब थोड़ी सी प्रीमियम सी फील आ रही है। अभी लगा के देखते हैं कि यार थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है, ये कैसी लगती है, चेक करते हैं। अभी लगेगी तो ही पता चलेगा कि भाई इसका कैसा रिस्पॉन्स है और जो आफ्ताब भी लेने गई है उसका कैसा रिस्पॉन्स है। ये दो दो LCDs है, अच्छा एक फ्रेम है। नहीं जी, आगे बिल्कुल लेटेस्ट वाली LCD। ठीक हो गया। अब पहले आप ये लगा के एक बार चेक करवाएं इसका इंटरफेस। ओके भैया, ये LCD स्टार्ट हो गई है, फुल टैबलेट वाइब आ रही है इसको देख। और इसका इंटरफेस काफी अजीब सा है वैसे। मेन मेन्यू यही है। हाँ। अच्छा फ्रेम के साथ ऐसी आएगी, थोड़ी सी अब नॉर्मल लगेगी ये। देखो पूरे इंटीरियर के अंदर ये अलग चीज लगी होगी, तो मेरा ख्याल है ये रहने दें और वो वाली ट्राई करके देखते हैं कि वो कैसा इसका इंटरफेस है। और ये एग्जैक्ट फिटिंग में आएगी, कैबिन के साथ मैच कर रही है ये वाली LCD। वो वाली LCD बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही थी, ह्यूज ह्यूज सी वाइब आ रही थी। वो लग भी रहा था कि ये इस गाड़ी की है ही नहीं, तो वो बड़ी अजीब सी लग रही थी। ये लग रहा है कि हाँ यार इसी गाड़ी की है, और चेक करो जरा कितने मजे की लग रही है। मैं कहता हूँ पैसे पूरे अभी से हो गए मेरे देख के। और इसमें थीम्स भी मेरा ख्याल है काफी सारी है, चेक करते हैं। ये है जी चार थीम्स है इसके अंदर। ये वाली थीम जो है ये ऑलरेडी इंडस में लगी हुई है, और ये चार टोटल थीम्स हैं जो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये नहीं हम ये वाली लगाते हैं, ये वाली ज्यादा अच्छी है। आजकल MG का आ रहा है। चलो यार ये MG की LCD हमने खरीद ली है। और अब यहाँ से हम यूट्यूब खोलते हैं। यूट्यूब किधर है? ये रहा यूट्यूब। ये मेरे साथ प्रैंक हो गया, इसकी तो वॉल्यूम लेवल ही 30 तक है। सेटिंग कर रहे हो? मजे की बात यह है कि 30 पे स्पीकर्स फट नहीं रहे। मैं यही हैरान हूँ, होता है अक्सर फटना शुरू होते हैं लेकिन स्पीकर्स फट नहीं रहे, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट पहले की हुई थी स्पीकर्स पे। बिस्मिल्लाह करें आफ्ताब भाई, बस जोड़े अब सामान। और यहाँ पे रिवर्स कैमरे की तार जुड़ रही है लेकिन रिवर्स कैमरा नहीं चल रहा। नहीं चला भाई, वायरिंग में कोई इशू लग रहा है, रिवर्स का मसला हल ही नहीं हो रहा भैया। अपना कैमरा जो है वो तो फेल हो गया। अब ये आफ्ताब भी नीचे से कोई नया कैमरा लेके आए, वो चेक करेंगे। लेट्स चेक नाउ। ओके भैया, सीन ये है कि नया कैमरा लगाना पड़ रहा है। उसकी वजह ये बनी है कि यार जो पुराना कैमरा है वो कंपेटेबल नहीं था इस नई वाली LCD के साथ, इसीलिए कैमरा चेंज करना पड़ा है। बड़ी कोशिश की थी कि वो कैमरा चल जाए लेकिन नहीं चला, तो हमें कैमरा चेंज करना पड़ेगा और वो कैमरा भी पीछे चेंज कर रहे हैं। तो नया कैमरा लग चुका है और अब चेक करते हैं कि भाई LCD चलेगी या नहीं चलेगी हमारी। लो भाई शुक्र है एट लास्ट LCD चलेगी। चलें आफ्ताब भाई यार फिटिंग करें यार। बड़ी अजीब जगह पे मैंने गाड़ी फंसाई हुई है। अच्छा रिवर्स करते हुए मुझे लग रहा था कि मेरा दिमाग खराब है, ये तो वो मिरर इमेज दिखा रहा है। एप्स में जाएंगे, इधर से हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके हम रिवर्स में जाएंगे, इधर तो मिरर, हाँ इसको क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं अब ठीक है। अच्छा भाई अभी का सीन ये है कि मल्टीमीडिया नहीं चल रहा, और उसके अलावा डोर इंडिकेशंस होती हैं, जैसे कि अगर राइट साइड का फ्रंट दरवाजा खुलेगा तो ये यहाँ पे इंडिकेशन आएगी कि भाई दरवाजा खुला हुआ है, वो नहीं चल रही और मल्टीमीडिया नहीं चल रहा। और टेक्निकल इशू है जो कि कल हम ठीक करवाएंगे। रोजा जो है मुझे भी बहुत शदीद किस्म का लग रहा है और आफ्ताब भाई को भी बहुत ज्यादा लग रहा था, तो मैंने कहा यार लेट्स डू दिस टुमारो। अब ये कल से कंटिन्यू करेंगे, अभी आप इतना ही रहने दो, एंड्रॉयड चल रही है बस काफी है। अब जो चीजें नहीं चल रही एंड्रॉयड की वो हम कल कंटिन्यू करवाएंगे, अभी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं घर, और घर जाके एडिटिंग भी करनी है, इफ्तारी भी करनी है। तो इस ब्लॉग को यार यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सीट बेल्ट नहीं लगाई यार, कैसी हरकत है। एक सेकंड। बाय द वे, अगर आप लोगों ने आफ्ताब भाई से काम करवाना है तो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अक्सर आप में से काफी सारे भाई कहते हैं कि भाई कहाँ से कितने का काम करवाया है, तो आप उनको डायरेक्टली कॉल करके प्राइसेस वगैरह जो भी जितनी मालूमात आपको चाहिए वो आप उनसे ले सकते हैं।